नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन इन उत्तर प्रदेश भाई केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर करवई खंड का निर्माण होने से भोपाल कानपुर औद्योगिक मंडल से लखनऊ तक यातायात सुगम होगा और समय की बचत भी होगी। झांसी प्रयागराज के बीच आरओबी के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र में यातायात सुगम बनेगा। चित्रकूट में 258 किलोमीटर लंबी रामवन गमन सड़क को फोर लेन बनाने 200 करोड़ रुपये की लागत से 15 किलोमीटर का फोर लेन बाईपास, महोबा में 18 किलोमीटर लंबाई वाला फोर लेन बाईपास और प्रयागराज से मिर्ज़ापुर NH 76E तक 70 किलोमीटर के फोर लेन मार्ग के साथ अरतरा में 15 किलोमीटर लंबा फोर लेन बाईपास बनाने की घोषणा की। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सोनौली गोरखपुर को फोर लेन का राजमार्ग बनाने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही बाईपास का निर्माण होने से गोरखपुर रिंग रोड को बनने का काम पूरा हो जाएगा और शहर में जाम की निजात मिलेगी तथा इस क्षेत्र में व्यवसायिक एवं आवासीय इकाइयों की स्थापना भी आसान होगी। कुशीनगर से लुम्बनी तक सड़क का निर्माण होने से यहाँ के बौद्ध पर्यटन स्थलों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। गिलोला बाईपास के बन जाने से बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर की संपर्क सुविधा बेहतर होगी। साथ ही देवी पाटन मंदिर आने जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यातायात सुगम हो जाएगा।